अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम लाए हैं बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी चिकन जालफ्रेजी। तो चलिए बनाते हैं। हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल हीट का कर लिया है। फिर हम इसमें जितनी अपन को चिकन चाहिए उसमें हम डाल देंगे और थोड़ा सॉटे करेंगे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। फिर हम इसमें डालेंगे हमारे मसाले। आप इस तरह से कभी भी बना के देखिए, चिकन बहुत ही अलग किस्म का टेस्ट और टेक्सचर आता है। तो हम इसमें डालेंगे पहले 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और इसको हम हल्की फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाएंगे। अच्छे से आप चिकन फ्राई कर लीजिए इसमें 10 मिनट तक, अच्छी तरह से कुक हो जानी चाहिए। फिर हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। और इसमें जाएगा 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसको अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। बहुत अच्छा लगता है इस तरह से, अगर आप ड्राई भी बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। अब इस तरह अब यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी इसको खा सकते हैं फ्राइड चिकन को। फिर हम इसको क्या करेंगे, हम इसको निकालेंगे। सब चिकन फ्राइड किए हुए पीसेस को आप निकाल लीजिए और इसको अलग से रख दीजिए। फिर हम यही तेल में डालेंगे, इसमें डालेंगे 2 टीस्पून लहसुन चॉप करके। और 1 टेबलस्पून अदरक चॉप्ड। फिर हम डालेंगे 1 प्याज स्लाइस की हुई और इसको अच्छे से सॉटे करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। बस ज़्यादा नहीं पकाना है, कुछ इस तरह से हमारी प्याज हो जानी चाहिए। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा नमक। नमक से क्या होता है कि प्याज जल्दी से कुक हो जाती है। देखो इस तरह से प्याज पूरी मुरझा गई है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 शिमला मिर्च क्यूब्स कट किए हुए। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर की प्यूरी। 2 टमाटर लेके आप उसको ग्राइंड कर लीजिए और उसकी प्यूरी आप इसमें डाल दीजिए और इसको अच्छे से कुक कर लीजिए जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए मसालों से। जब ऑयल सेपरेट हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे हमारे चिकन के पीसेस। इसको भी अच्छे से कुक कर लीजिए। आप 5 मिनट के लिए कुक कर लीजिए तो हमारा ग्रेवी रेडी हो जाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो इससे क्या होगा, हमारी ग्रेवी लिक्विड कंसिस्टेंसी में हो जाएगी, थोड़ी सी सेमी लिक्विड। और फिर हम इसको मीडियम हीट पे 5 मिनट तक पकाएंगे। हम हमेशा रेगुलर चिकन करी बनाते हैं, तो आप इस तरह से चिकन को बनाकर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, तो ज़रूर ट्राई करना। इस तरह से देखिए उसका कलर कितना अच्छा आया है। तो आप इसको कोरिएंडर लीव से गार्निश कर लिए हरे धनिया से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।